हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 27 अगस्त 2021 को जो पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स पेपर वन का एग्ज़ाम हुआ उनके क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। और एक चीज़ और, मैं जो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर वन के लिए क्वेश्चन गेस किया था वो ए टू जेड क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखलाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पहले प्रश्न में आते हैं, पहले नंबर में क्वेश्चन में, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरा, कालीबंगा स्थित है, तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कालीबंगा का साहित्यिक अर्थ है, तो दोस्तों ये काली चूड़ी यानी ब्लैक बंगाल हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव है, पुरुष सूक्त संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से है। ये सब मैं करा रखा हूँ आपको गेस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन नारी वैदिक काल की नहीं है, तो दोस्तों आई थिंक राधिका ही है जो वैदिक काल की नहीं है, ऐसे मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि यही सही हो। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र हो जाएगा, है ना। प्रारंभिक राजधानी अगर प्रथम पूछा जाए तब तो ये हो जाएगा राजगिरी, लेकिन सबसे पहले जो हुआ था स्थापना ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था। चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो दोस्तों ये मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मेघदूत का रचयिता कौन था, तो दोस्तों कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रयाग शक्ति संबंधित है, तो दोस्तों प्रयाग शक्ति जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न और लास्ट, बांसखेरा ताम्र पत्र का संबंध है, तो दोस्तों ये हर्षवर्धन से है इसका संबंध। तो ये था ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न। अब चलिए दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक और सामाजिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं, और ये मैं गेस कर रखा था। तीसरा प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर तात्कालिक स्रोतों से क्या प्रकाश पड़ता है, ये भी मैं गेस कर रखा था। अगला प्रश्न चौथा, महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करो, ये तो ये भी मैं किया था। पांचवा प्रश्न आया हुआ है, 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक मगध के साम्राज्य उदय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, तो ये था पांचवा प्रश्न, ये मैं गेस नहीं किया था। छठा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का उल्लेख करें, तो ये भी मैं गेस किया हुआ था, छठा प्रश्न ये है। सातवां प्रश्न भी मैं गेस किया हुआ था, और ये प्रश्न है, अशोक का धर्म क्या था, इसके प्रचार के लिए उसने कौन से उपाय किए। आठवां प्रश्न, कनिष्क के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का उल्लेख करें, ये भी मैं गेस कर रखा था। नौवां प्रश्न, समुद्र गुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करें, उसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है, तो मैं समुद्रगुप्त को भी हाईलाइट किया था, मैं बताया था कि ये भी प्रश्न आएंगे। तो ये था नौवां प्रश्न। और दसवां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारणों स्वरूप और परिणामों की विवेचना करें, ये भी मैं गेस कर रखा था। तो लॉन्ग प्रश्न जो है ना दोस्तों ए टू जेड हमारे ही गेस से आया हुआ है, और वैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब है, 2 साल के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो 27 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम, उसका पेपर है। और इसी प्रकार से अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं संपूर्ण इंग्लिश के माध्यम से। मैं LNMU से रिलेटेड हमेशा स्टडी रिलेटेड जो वीडियो होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो हमारे चैनल संपूर्ण इंग्लिश को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।